केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपनी इनोवा कार में सवार थे। वे बक्सर से पटना लौट रहे थे और ड्राइवर के सूझबूझ से ये बड़ी दुर्घटना टल गई है। दुर्घटना रविवार रात को हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस गाड़ी का ड्राइवर भी चोटिल हो गया। सभी केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में शामिल थे। 2 पुलिसकर्मियों को अधिक चोटें आई हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपनी देखरेख में घायलों को अस्पताल ले गए। जो 2 कर्मी घायल हैं उन्हें पटना में रेफर कर दिया गया है। मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डुमराव के मठीला नारायणपुर रोड पर पुल के नहर में चल रही कुरान सराय थाने की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रभु श्री राम की कृपा से सभी कुशल हैं। घायल पुलिसकर्मियों और चालक को लेकर डुमराव सदर अस्पताल ले जा रहा हूं। उसके बाद मंत्री अश्विनी चौबे घायलों को लेकर सदर अस्पताल गए। वहां इलाज के दौरान खुद डटे रहे। मंत्री ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा, सभी ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अजय तिवारी, अंगरक्षक नरेंद्र कुमार चौबे, मोहित कुमार, धनेश्वर कुमार, कुंज बिहारी ओझा, SI जयराम कुमार, मुकेश कुमार, सुजय कुमार, प्रेम कुमार सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए नहर में पलटी गाड़ी से पुलिस कर्मियों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाड़ी से एक जवान के हथियार को भी निकाला गया। मंत्री ने उन्हें पुरस्कृत करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गंगा के पावन तट पर दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज हगंगा विलास पर विदेशी पर्यटकों से मिलने बक्सर गए थे। मंत्री ने सभी विदेशी पर्यटकों का स्वागत और अभिनंदन किया। उसके बाद वे पटना लौट रहे थे। इससे पहले उन्होंने विदेशी पर्यटकों को बक्सर की संस्कृति, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। अश्विनी चौबे ने कहा कि ये रिवर क्रूज यात्रा नदी किनारे स्थित शहरों में पर्यटन व रोजगार के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का यह प्रयत्न पर्यटन को बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।